यथा दिशि तथा सृष्टि, वो खुद बूढ़ा फील करता है तो वो सबको बूढ़ा बोलता है। लट्ठी गिर गई हो ना तो बता माता दी। देखो मैं इनको बोल रही थी कि ऐसे ऐसे चढ़ेंगे, ये बोले नहीं चढ़ो पाओगे, यही चढ़ा रहे दोनों मिलके मुझे। हम चढ़ेंगे, माँ ने बुलाया है हम पक्का चढ़ेंगे। हमारी माता का दरबार हमें दिखा, भवन दिखा, तो आप लोग भी देखो वहां से भवन पे कैसा सुंदर है ना, सबसे सुंदर। हाय जय माता दी, मैं निशा लांबा और हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे वैष्णो देवी माता का व्लॉग और हम जा रहे हैं कटरा। कटरा में जाने के लिए मैं शायद 4-5 साल हो गए होंगे, मैं पहली बार मतलब बहुत टाइम की बात जा रही हूँ और मेरा मन नहीं लग रहा था। बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं, अगर आपको कुछ भी मांगना है तो माता रानी सब कुछ देती है। और जम्मू और कश्मीर से और कटरा से सुंदर जगह है ही नहीं, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं व्लॉग और यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे मिस्टर वीरू अर्जुन पंडित। अरे गब्बर के ताप से तुझे एक ही आदमी बचा सकता है, वो है खुद गब्बर। ये हमारे सर है, ये हमें लेके जा रहे हैं कटरा में और फीलिंग वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल एटमोसफेयर। सो यहाँ पे हमारी पार्टी है। हेलो भाई पवन, दीपक क्या बोले, क्या कह रहे हो, क्या दीपक मोनू कहाँ छुप गया है, कुछ तो बोलो। सो अभी हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए और हम आपको कराएंगे खूब सारी प्यारे प्यारे दर्शन और सर के साथ कंपनी जय माता दी, जय माता दी। और कंपनी में बड़ा मजा है सर, एक अच्छा सा डायलॉग मारो। सब दर्शक देखने वाले, मेरे चाहने वाले, प्यार करने वाले सभी आए मेरे पास, उनकी बढ़िया सर्विस मिलेगी और मेरा साथ, एंटरटेनमेंट फ्री, जैसे वाईफाई फ्री मिलता है होटल में ऐसे मेरा एंटरटेनमेंट फ्री। तो कटरा में आएंगे तो आप बोल देना अर्जुन पंडित जी से, हमें हमें हम उनके साथ ही घूमेंगे, ठीक है, जम्मू पे, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं दर्शन के लिए और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं खूब सारे दर्शन। सो अभी हम आपको दिखाते चले जाएंगे, मेंटेन रहना ब्लॉग में हमारे साथ। सो आए जय माता दी, मैं निशा लांबा और अभी हम लोग आए हैं कटरा में और कल हम करेंगे मॉर्निंग में चढ़ाई माता रानी का मंदिर का दरबार का रास्ता, भवन का रास्ता है। और ये लोग सुला रहे थे, कह रहे थे सो सो सो, है ना, देखो कितना सुंदर लग रहा है, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मिलता तुम्हें सोने से दीपक, ये मिलता तुम्हें सोने से। हाय जय माता दी, तो हमने यात्रा स्टार्ट कर दी गई है और ये सुबह के 8 बजे हम यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, माता रानी ने हमें बुलाया, इन पापियों को भी बुलाया और मुझे पापी को भी बुलाया। तो हम लोग स्टार्ट करें यात्रा को, तो बोलो सारे बोलो मिलके बोलो। हाँ तो अभी हम करें यात्रा स्टार्ट और बहुत अच्छा लग रहा है, मैं शायद 5-6 साल के बाद माता रानी ने बुलाया, तो आई एम वेरी हैप्पी, अच्छा लग रहा है, मैं बच्ची हूँ। तो शुरू करते हैं। हम इस बच्ची के पीछे पीछे चल रहे हैं, माता रानी रास्ता लेके जा रही है हमें, आ ना माँ माँ बाप चाहिए। सो बच्ची को देख के जवानी वापस आ रही है, बचपन में ना बहुत तेज भाग लेते थे हम लोग, तभी दीपक बाबा बोल रहा था बूढ़ी हो गई आप। अपने आप को भी बोल रहा था, यह तार दिशा तथा सृष्टि, वो खुद बूढ़ा फील करता है तो वो सबको बूढ़ा बोलता है। जो खुद बूढ़ा होता है ना वो सबको बूढ़ा बोलता है। किसी की लट्ठी गिर गई हो ना तो बताना, लट्ठी उठा के चोरी करेंगे, नहीं पेड़ तोड़ते नहीं है, टूटी हुई ले सकते हैं, हाँ पड़ी हुई ले सकते हैं, खुद पेड़ नहीं तोड़ना, इट्स अ क्राइम। सो कोई लकड़ी लेके चल रहा हो, छोड़ गया हो तो बताना। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, जब तुम चाह लो वो तुम पा लेते हो, चाहे 2 दिन बाद पाओ। ये कह रहा है कि हम चढ़ाई कर सकते हैं, माँ ने बुलाया है हम चढ़ेंगे, माँ ने बुलाया है तो हम पक्का चढ़ेंगे। कहाँ से ली तूने?
अरे तूने नहीं दिलाई निकम मैं। चलो बेटा चल तू आगे चल भाग, जवान बच्चा तू भाग। ए तूने भी लट्ठी ले रखी है? अरे लट्ठी दे दे बेटा, देख दे दे। ये कह रही है कि साले अभी तक नहीं चला, तू कहाँ जा रहा है आज? 156 हार्ट बीट दिखा रखी है तो कह रहा है सारे गोल तूने अचीव कर लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, सब अचीव है तेरे। तू बैठ जा। तो अभी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अच्छा लग रहा है। माता का दरबार दिख रहा है यहाँ से, वो अर्धकुंवारी है उसके बाद है। और मुझे भी, मैं बहुत साल के बाद आई हूँ, किसी को ना पता हो तो मैं बता दूँ, अब पैदल चलने वालों का रास्ता अलग होता है और अलग लोगों के लिए अलग फैसिलिटी होती है। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, सफाई इतनी अच्छी है, पैदल चलने वालों के लिए इतनी अच्छी सेवाएँ हैं यहाँ पर, हर थोड़ी थोड़ी जगह पर पानी है, फैसिलिटी है, वो बहुत अच्छा एटमोसफेयर है। सो जो एक बार माता रानी के पास नहीं आया, सो अरदार्ज लगाओ, दुआ करो कि माता रानी आपको बुलाए, क्योंकि आपके चाहने से नहीं होगा, वो बुलाने से होगा। बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ, उड़नी है, मैं नहीं जा रही, तो तुम भी आगे बढ़ने। माता दी देखो, मैं इनको बोल रही थी कि ऐसे ऐसे चढ़ेंगे, ये बोले नहीं चढ़ो पाओगे, यही चढ़ा रहे दोनों मिलके मुझे ऊपर, वो थक गई। तो अभी आराम से बैठे, बहुत अच्छा लग रहा है, धरती में बैठ स्टिचिंग सी हो गई है, ऐसा शरीर ना सारा ऐसा खुल सा गया है। अभी चलेंगे उस्ताद, चले उस्ताद जी खुद रुकने को कह रहे हैं। हम इनके उस्ताद बन के आए थे, हम खुद पढ़े हैं यहाँ पे, ठीक क्या करें भाई, अच्छे अच्छे पापी हार मान जाते हैं यहाँ पे, इनके छोटे पाप है जैसे बड़े पापी भी हार मान रहे हैं। ये तू तो बस कर रहे हैं कोशिश पाप मिटाने की, ऐसे मिटने वाले तो है नहीं, गर्मी गर्मी हरिद्वार भी जाके जाने की कोशिश करेंगे, आधे यहाँ पे मिटेंगे, आधे हरिद्वार में मिटेंगे, आधे उज्जैन में मिटेंगे, तो सब कोशिश करेंगे मरने से पहले पाप मिटाने की, और इनके मिटवाएंगे भाई। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय 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 माता, जय माता। तो 6 घंटे की मेहनत के बाद हमारी माता का दरबार हमें दिखा, भवन दिखा, तो आप लोग भी देखो वहाँ से, भवन देख के और एनर्जी आई कि भी बस हम आ गए हैं उमा के पास, भवन पे। कैसा सुंदर है ना, सबसे सुंदर। तो मैम आई गई आखिर, बुलाई लिया आखिर माता रानी ने, तो हम आ गए हैं भवन के पास। अभी हम नहाएंगे धोएंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे, और आपको कराने लगते क्योंकि अंदर कैमरा था। लिया शावर ले लिया, हम हो गए साफ सुथरे माता रानी के दरबार में जाने के लिए, भवन में जाने के लिए, और अभी हम अपना बैग रखेंगे लॉकर में, और फ़ोन भी उसी में रखेंगे क्योंकि अंदर फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं है, और हम करेंगे माँ हमारी माता रानी के भव्य दर्शन। सो अब हम उतर रहे हैं नीचे कटरा के लिए, सब लोग देखो ये सबसे ज्यादा थकेला आदमी, ये देखो मोनू, मोनू और पवन, पवन और मोनू हम लोगों को छोड़ के भाग के नीचे आ गए जवान, और हम नीचे उतर रहे कटरा के लिए, और जय माता दे। सो वी आर गोइंग बैक टू दिल्ली, दिल्ली जा रहे हैं, और अब हम लोगों को अच्छा लग रहा है, बट याद भी आएगी क्योंकि पहाड़ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर एटमोसफेयर है, और ये एटमोसफेयर देखो दिल्ली की अपनी ब्यूटी है, वहाँ पे हमें अच्छा लगता है काम करते हुए, बिजी लाइफस्टाइल है वो, हमें आदत है, हमें अच्छा भी लगता है, बट यहाँ की एक अपनी ब्यूटी है, नेचर, पीस, नॉन पॉल्यूशन, एवरीथिंग इज देयर, तो मतलब है यहाँ पे जन्नत तो है,
तो माता रानी भी है, जन्नत भी है। सो पहाड़ों को हम मिस करेंगे, करेंगे ना भाइयों, कितना करेंगे, करेंगे बहुत करेंगे। हाँ, सो बहुत सारा मिस करेंगे, और वो गरम गरम मैगी मैगी एंड मसाजेस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। सो हर कोई आए, एक बार जरूर आए कटरा और आके दर्शन करें, और इतने सुंदर एटमोसफेयर में आए। काम करना भी जरूरी है, घूमना भी जरूरी है, और मौसम का मजा उठाना भी जरूरी है। सो जय माता दी।